गाइस, आप अगर एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको मिनिमम सा एक अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़े, वहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा खासा हो, तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जहाँ पे कि आपको ये सारे गुण जो है देखने को मिलेंगे और बहुत ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बिजनेस है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आपका हमेशा चलेगा और हर हमेशा आप इससे जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो ऐसे टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, अभी तक मैं जितने भी सारे गुण के बारे में आपको बता रहा था ना, वो सब गुण है एक बिजनेस में, वो है बैटरी सेलिंग बिजनेस में। अभी के टाइम पे आप अगर देखोगे ना तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है बैटरी का यूज हो रहा है, तो आप एक बैटरी सेलिंग शॉप जो है स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा थोड़ा सा आप समझ लो। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप किस जगह में शॉप डालते हो और वहाँ पे इंटीरियर में कितना डिजाइन वगैरह करते हो, उसको हम रखते हैं साइड में। अभी हम बात करते हैं कि जो सामान है उसमें कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा और किस तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का, एक पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड का, बैटरी ब्रांड का एक डीलरशिप आप ले सकते हो। डीलरशिप में आपको क्या करना पड़ता है, डीलरशिप में आपको 1,00,000 रुपया जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है ब्रांड को, और ब्रांड वाले आपको जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो बैटरीज है वो प्रोवाइड कर देते हैं। चाहे आप ट्रक के लिए बैटरी मंगाओ, घर के इन्वर्टर के लिए बैटरी मंगाओ, या फिर बाइक में जो लगता है वो बैटरी मंगाओ, आप कोई सा भी बैटरी जो है मंगा सकते हो, अपने स्टॉक में जो है उसको रख सकते हो। और जैसे जैसे आप उस स्टॉक को क्लियर करोगे, जैसे जैसे बैटरी को सेलिंग करोगे, उसी हिसाब से आप जो ब्रांड है उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलता है और रिस्क कितना कम है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो एक बैटरी में जो है लगभग 20 से लेकर 25% का कमीशन जो है देखने को मिल जाता है। चाहे आप जो है बाइक का बैटरी को बेचो, घर में जो लगता है इन्वर्टर उसका बैटरी को बेचो, या फिर आप किसी ट्रक का बैटरी को बेचो। आप अगर एक नॉर्मल मिनिमम सा एक प्राइस मैं आपको बताऊं तो आप अगर एक बाइक का बैटरी को सेल करोगे ना तो वहां पे 25% का कमीशन मिलेगा, और एक बाइक का जो बैटरी होता है वो लगभग 1,500 रुपया का आराम से जो है सेल आप कर सकते हो। वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप एक बैटरी को, बाइक का बैटरी को सेल करते हो तो वहां पे आपको कितना रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। वही आप अगर एक ट्रक का बैटरी को सेल करते हो तो वो उसका जो प्राइस है वो 8-10 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। तो वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वहां पे 25% आप कितना कमीशन जो है पा सकते हो। उसके अलावा आप अगर अपने टारगेट को पूरा करते हो, बैटरीज को सही तरीके से सेलिंग कर देते हो, तो यहां पे ब्रांड के तरफ से आपको बहुत सारे बोनस पॉइंट भी मिलते हैं, बहुत सारे कमीशन रिवार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गाइस, ये तो हो गया प्रॉफिट की बात। अभी हम बात करते हैं कि यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है कितना रुपया का लगेगा ये बैटरी शॉप को खोलने में और किस तरीके से आपको बैटरी शॉप जो है खोलना है। तो यहां पे 1,00,000 रुपया के हिसाब से आप अगर टोटल 3 बैटरी ब्रांड को 3,00,000 रुपया 1-1 लाख करके तीनों का तीनों डीलरशिप अगर लेते हो तो आप वैरायटी के हिसाब से कोई भी बैटरी को मार्केट में सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। यहां पे जो गारंटी होता है बैटरी में, जो गारंटी या फिर वारंटी होता है, वो सब कुछ जो है ब्रांड समझते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैटरी सेलिंग करना है। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। कस्टमर आपसे बैटरी खरीदेगा, बैटरी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस बैटरी को रिटर्न कर लेना और आप ब्रांड को रिटर्न कर सकते हो, ब्रांड कस्टमर को नया बैटरी जो है प्रोवाइड कर देगा। आपका रिस्क जीरो है, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, और आने वाले फ्यूचर में भी इसका कोई भी एंड नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से बैटरी में, बैटरी सेलिंग में बहुत ही अच्छा खासा फ्यूचर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।